सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक मैं लाइव हूँ या नहीं। लेट मी चेक। एम आई लाइव? यस नाउ आई एम लाइव। चलो ओके। राघव इज सेइंग कैन यू शिफ्ट योर टाइमिंग्स? ओके सो देखो दीज आर गोइंग टू बी द टाइमिंग्स, दीज आर गोइंग टू बी द टाइमिंग्स। बेसिकली जो भी रिविजन है आई हैव टू कंडक्ट दिस इन टू शिफ्ट। कल का जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन विल बी फ्रॉम 10:30 AM टुमारो। तो एक सेशन मैं ले रहा हूँ मॉर्निंग में और एक सेशन मैं ले रहा हूँ इवनिंग में, सो दैट कि जो भी रिविजन स्टार्ट हो वो काफ़ी बेटर वे में फिनिश हो पाए। इज इट ओके? सो ये टाइमिंग नहीं चेंज हो सकता, दीज आर द टाइमिंग्स जो मैं बहुत पहले से ले रहा हूँ, तो टाइमिंग नहीं चेंज हो सकता। सो बेस्ड ऑन योर पोल्स, बेस्ड ऑन योर पोल्स मैक्सिमम स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर क्रैश कोर्स एंड दैट्स द रीज़न मैंने जल्द में जल्दी दिखाते हुए मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। हाँ डेफिनेटली सरकाज़म मैं कराऊंगा, मॉडर्न मैथ्स भी मैं कराऊंगा, जल्दी जल्दी कराऊंगा, बट डेफिनेटली मैं कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो हियर आई एम विद दिस सेशन एंड इन दिस सेशन डेफिनेटली, इन दिस सेशन डेफिनेटली मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है चलो। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी ये अपडेट कर दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस का हो सकता है आंसर नहीं करा पाऊँ, ज़्यादा क्वेश्चन मैं तुम्हारा चैट में ना देख पाऊँ। रीज़न इज़ क्योंकि मुझे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने हैं, तो यहाँ पे हो सकता है चैट में मैं तुम्हारे सारे आंसर्स ना दे पाऊँ, फिर भी मैं एक बार देखूंगा ज़रूर। सो लेट्स स्टार्ट क्रैश कोर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी परसेंटेज फास्टली। एंड आज के सेशन के बाद मुझे समझ में आएगा दैट हाउ यू वॉन्ट टू गो अहेड नाउ। ठीक है, तुम्हारा कितना हो चुका है, तुम्हारा लेवल क्या है, एंड आफ्टर दैट आई विल डिसाइड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस मुझे कैसे कोर्स को आगे ले जाना है। ठीक है डॉली, मीन वाइल मैं कभी भी, लेट्स से देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्रैश कोर्स, वंस आई फिनिश विथ एरिथमेटिक, देखो वंस आई फिनिश विथ एरिथमेटिक, सिंस मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों ले रहा हूँ तो देर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि मैं इवनिंग में कभी भी मॉडर्न मैथ्स ले लूँ। मॉर्निंग में मैं क्रैश कोर्स एज इट इज रहने दूंगा एंड इवनिंग में मैं कभी भी मॉडर्न मैथ्स हो सकता है ले लूँ। आई होप दिस इज क्लियर। चलो सो लेट स्टार्ट विथ टूडे सेशन। माई नेम इज प्रतीक अम्बस्था, आई हैव डन एम ई इन आई टी and be in computers. Overall, I am having 7 years of teaching experience and I have scored 99 plus percentile in quant section for many times. If you want to follow us on Instagram, you can definitely follow us by using #CatLifeDaily. And today's agenda is going to be revision of percentage. So this is going to be our official Telegram channel ka URL. You can join our official Telegram channel by using this URL. Now talking about Unacademy subscription, if you are among those students who want some early preparation for CAT 21 and 22, who want to start early preparation, you can definitely go with these two plans. And what you have to do is you have to use PA10 to avail 10% discount. And you can attend all the sessions related to Quant, LRDI, VRC, GK, then mocks and GDPIB hoga. So this is the final amount that you are going to pay for 12 months and this is the final amount that you are going to pay for 24 months. So quickly we'll start percentage. So if I have to say what is percentage, so you can say that x percent can be written as x by 100. अगर ये सब आता है तो मुझे बताते जाना, ये आता है मैं थोड़ा आगे बढ़ता जाऊंगा। आउट ऑफ विच दिस इज नोन एज परसेंटेज इक्विवेलेंट, दिस इज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। सो 50% कैन बी रिटन एज हाफ,
Similarly, 25% can be written as 1 by 4. You can certainly say that 20% is nothing but 1 by 5. ठीक है. सिमिलरली इफ आई से दैट हाफ का परसेंटेज इक्विवेलेंट यू कैन से दैट 50%. 1/3 इज नथिंग बट 33.33%. 1/4 इज नथिंग बट यू कैन से दैट 25%. ओके. 1/5 इज नथिंग बट 20%. 1/6 is nothing but you can say that 16.67%. 1/7 is nothing but 14.46%. Similarly, you can say that 1/8 is nothing but 12.5%. 1/9 is nothing but 11.11%. 1/10 is nothing but you can say that 10%. And similarly, if I talk about 1/11, you can say that definitely this is going to be 9.09%. So these are the percentage to fraction equivalent जो तुम याद रख सकते हो, ठीक है? चलो. So what are the benefits of knowing this shortcut? अगर मैं कभी भी question पूछूं, let's say, अगर मैं कभी भी question पूछूं, what is going to be like 55.55%? Of let's say if I'll ask you 108, so can I say that this is nothing but 5 times of 11.11% of 108? Haan, 28, maine 28 bola, 46 likh diya, sorry, 28 is the correct answer. Maine 28 bola tha shayad 14.28, but pen chalne mein 42 ho ya 46 chal gaya. So 5 multiplied with 11.11. Can I write this one as 5/9 of 108? Basically, can I say that my answer is going to be nothing but 60? Is it clear? So these are the benefits of knowing percentage to fraction or fraction to percentage equivalent. ठीक है? So the most important thing now is, अगर मैं तुमसे पूछूं, the first point that we need to explain, ये first point मैंने explain कर दिया है, अगर मुझे second point explain करना होगा, मुझे बताओ, how many of you know this? If I'll ask you, x percent of y is equivalent to y percent of x, how many of you know this? मुझे बताओ. If you know this, then it's okay, otherwise, मैं इसका example लूँगा. Jayant, 11.11% can be written as 1/9. So 5/9 multiplied with 108 can be written as 60, and that is going to be the answer. Subah ko main next session kar lunga profit and loss mein 10:30 AM. Theek hai? Chalo. So if you don't know this, अगर मैं तुमसे पूछूं what is 25% of, let's say 50, और अगर मैं तुमसे पूछूं what is 50% of 25, ultimately you are going to do same thing. यहां पे you are going to divide 50 into 4 part, and यहां पे you are going to divide 25 into 2 part. So I can certainly say that 50 को 4 part में divide करो या 25 को 2 part में divide करो. Can I say that ultimately these are going to be the same value? That means again, once again, if I have to say that 36% of 100, sorry 100 नहीं, let's say 75. 36% of 75, और अगर मैं बोलूं 75% of 36, देखो ये निकालना थोड़ा difficult हो सकता है,
बट ये निकालना काफी आसान है. 75% इज नथिंग बट यू हैव टू डिवाइड दिस इनटू फोर इक्वल पार्ट, दैट इज 9, 9, 9 एंड 9. सिंस 75% इज नथिंग बट 3/4, दैट मीन्स इसमें से मुझे तीन सिलेक्ट कर लेना है. आई कैन सर्टेनली से दैट 27 इज गोइंग टू बी माई आंसर. से येस और नो. सो दिस इज द यूज ऑफ एक्स परसेंट ऑफ वाई विल बी इक्विवेलेंट टू वाई परसेंट ऑफ एक्स. ठीक है, चलो शाबाश. विल प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. लेट्स से ए इज अ पर्सन. ए इज अ पर्सन जिसके पास 100 रुपीज है एंड बी इज अ पर्सन जिसके पास 120 रुपीज है. ठीक है, और लेट्स से दिस ए है, ए के पास 100 रुपीज है, और इफ आई से दैट मैंने ए को 20 रुपीज और दे दिया, मैंने 20 रुपीज और दे दिया, दैट मीन्स अब ए के पास 120 रुपीज है. सो कैन आई से दैट इनिशियली ए के पास 100 रुपीज था एंड फाइनली बी ए के पास 120 रुपीज है. सो इज इट पॉसिबल टू से दैट परसेंटेज चेंज, सिंस वी आर गोइंग टू सी नाउ परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज कैन बी रिटन एज 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड विथ 100. दैट मीन्स यू कैन सर्टेनली से दैट देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ 20%. मतलब अगर 100 है और मैंने 20 दिया है, दैट मीन्स जितना भी तुम्हारे पास था मैंने उसका 20% दिया है. इज इट ओके? सो यू कैन से दैट परसेंटेज चेंज कैन बी रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल मल्टीप्लाइड विथ 100. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? हाँ, मैं भूल गया हूँ एक्चुअल कैट क्वेश्चन लेना, मैं वो भी ले लूंगा. इज इट क्लियर? ये याद आ रहा है फॉर्मूला? चलो, टॉकिंग अबाउट फोर्थ कॉन्सेप्ट, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं यहां पे सो दैट कि तुम्हारे दिमाग में वापस से तुम्हें याद आ जाए. अब लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये एक रेक्टेंगल है, इसका मैंने लेंथ इंक्रीज किया 10% से और इसका मैंने ब्रेथ इंक्रीज किया 20% से. सो जस्ट टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज चेंज ऑन एरिया. व्हाट इज गोइंग टू बी परसेंटेज चेंज ऑन एरिया? जस्ट आंसर मी दिस. What is going to be percentage change on area? So, is it possible to determine this? Can I say that successive change can be written as एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100? से येस और नो. कैन आई राइट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज एज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 एंड विच इज गोइंग टू बी डेफिनेटली 32%? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस जयंत? सिंस दिस इज क्रैश कोर्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैक्सिमम कैंडिडेट हु आर अटेंडिंग माई सेशन हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस. इन क्रैश कोर्स आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला. आई होप दिस इज द परफेक्ट आइडिया एंड इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस, इफ यू आर हैविंग अदर सजेशंस ऑल ऑफ यू, देन डेफिनेटली यू कैन गिव मी दैट. ये ऐसा पेस सही जा रहा है या मैं थोड़ा स्लो जाऊं? जल्दी बताओ.
ये सही पेस है या मैं थोड़ा स्लो जाऊं, जल्दी बताओ मुझे। सो इंस्टीड ऑफ एक्स यू कैन कंसीडर 20 एंड इंस्टीड ऑफ वाई यू कैन कंसीडर 10। सो डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एज 32%। एम आई करेक्ट? चलो, बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज, इफ आई हैव टू से दैट, लाइक अगर मैं क्वेश्चन दू, इफ वी आर हैविंग अ क्यूबॉइड, इफ वी आर हैविंग अ क्यूबॉइड, लेट से इफ आई इंक्रीज लेंथ बाई 10% एंड इफ आई इंक्रीज ब्रेथ बाई 20% एंड इफ आई इंक्रीज हाइट बाई 30%। हाँ डेफिनेटली आई विल बी लिटिल बिट स्लो इन एडवांस कॉन्सेप्ट जो मैं नया बता रहा हूँ, सिंस ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा चुका हूँ और ये इजी है। अगर किसी ने भी कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया होगा तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट उसे पढ़ना चाहिए। सो दैट्स द रीजन यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, सो दैट कि जब थोड़ा कॉन्सेप्ट एडवांस हो तो मैं थोड़ा स्लो डाउन हो पाऊँ ताकि मेरे पास टाइम उतना रहे। चलो, सो हाउ कैन यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? इफ आई आस्क यू व्हाट इज गोइंग टू बी परसेंटेज चेंज ऑन वॉल्यूम, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? इफ आई आस्क यू व्हाट इज गोइंग टू बी परसेंटेज चेंज ऑन वॉल्यूम, सो इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मूला एंड जनरली मैं फॉर्मूला इसके लिए फॉलो नहीं करता हूं, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वेन एवर देयर आर थ्री वेरिएबल्स दैट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस यू कैन से दैट एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, क्योंकि अगर चार बार इंक्रीमेंट है तो फॉर्मूला भी नहीं है उसके लिए। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस कॉन्सेप्ट इज 10, 20 एंड 30, आई विल जस्ट ट्राई टू टेक परसेंटेज चेंज ऑफ दीज टू। परसेंटेज चेंज ऑफ दीज टू इज गोइंग टू बी नथिंग बट 10 प्लस 20 प्लस 200 प्लस डिवाइडेड बाई 100। सो आई कैन सर्टेनली से दैट दिस इज गोइंग टू बी 32। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऑफ 30 एंड 32, विच इज नथिंग बट 30 प्लस 32 प्लस यू कैन से दैट 30 मल्टीप्लाइड विथ 32 डिवाइडेड बाई 100। आई गेस ये याद रखना काफी आसान है। यू कैन से दैट 62 एंड 30 मल्टीप्लाइड विथ 32, सिंस 32 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 96, सो आई कैन सर्टेनली से दैट दिस इज गोइंग टू बी 9.6। And whenever I'll add this, you can certainly say that there will be increment of 71.6. Is it correct? But instead of this, अगर ये increment के जगह पे मैं decrement ले लूँ, ये increment and ये decrement, so I can certainly write like this, इन दोनों का 32 अभी निकाला है हम लोगों ने, देन इस दोनों का कैन आई से दैट 32 माइनस 30 माइनस 32 मल्टीप्लाइड विथ 30 डिवाइडेड बाई 100। सो 32 पॉजिटिव एंड यू कैन सर्टेनली से दैट -30 -9.6। सो कैन आई से दैट माई आंसर वुड बी देर विल बी डिक्रीमेंट ऑफ 7.6। दिस माइनस इंडिकेट्स दैट देर विल बी डिक्रीमेंट ऑफ -7.6। नहीं, ये फॉर्मूला है, ये बुक में तुम्हें मिल सकता है, बट अगर नहीं भी मिल रहा है यू कैन चेक दिस फॉर्मूला। यहां पे देखो ना, एक्स वाई जेड के जगह पे जस्ट ट्राई टू पुट इंस्टीड ऑफ एक्स एक्स वाई और जेड के जगह पे यू कैन डेफिनेटली पुट 10, 20 एंड 30, देखो वैल्यू आ जाएगा। इफ योर वैल्यू इज 71.6 दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये सही है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये समझ में आया? दिस विल बी -7.6।
ये समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी बताओ। या मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? चलो नेक्स्ट पेज पे ही जाते हैं। लेट्स विल ट्राई टू टेक अनदर एग्जाम्पल। इफ आई आस्क यू, एक चीज 10% से इंक्रीज हुआ है, एक चीज 10% से इंक्रीज हुआ है, दूसरा चीज 20% से डिक्रीज हुआ है, एंड थर्ड टाइम दिस इज अगेन इंक्रीजिंग बाई 30%। ठीक है, सो कैन आई राइट लाइक दिस? देखो इन दोनों का अगर मैं देखूं, कैन आई से दैट दिस विल बी 10 माइनस 20 -200/100? कैन आई राइट लाइक दिस? और यू कैन से दैट -10 -2, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी -12। विल जस्ट ट्राई टू फाइंड फॉर दीज टू। यू कैन से दैट 30 -12 माइनस, यू कैन से दैट 360 डिवाइडेड बाई 100। सो 30 -12 -3.6, यू कैन सर्टेनली से दैट आंसर वुड बी 14.4। आई होप ये समझ में आया है तुम्हें। बट जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस। अगर कोई भी चीज, ये काफी यूजफुल होने वाला है, कोई भी चीज अगर 30% से इंक्रीज हो रहा है, कैन आई राइट दिस वन एज 130%? दैट मीन्स अगर एक्स है तो ये अभी 100% ऑफ एक्स है, अगर ये 30% से इंक्रीज हो रहा है, कैन आई राइट दिस वन एज 130% ऑफ एक्स? से यस और नो। अगर ये 20% से डिक्रीज हो रहा है, कैन आई राइट दिस वन एज 80%? 100 था पहले, अब ये डिक्रीज हो रहा है, सो कैन आई राइट दिस वन एज 80%? से यस और नो। सिमिलरली ये 10% से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैन आई राइट लाइक दिस? सो इनिशियली इट वॉज एक्स, कैन आई से दैट नाउ दिस इज गोइंग टू बी 110% 80% 130% ऑफ एक्स? ये मुझे वैल्यू बताओ कितना होगा। 110/100 मल्टीप्लाइड विथ 80/100 मल्टीप्लाइड विथ 130/100 ऑफ एक्स, ये कितना होगा? कोई मुझे वैल्यू बता दो जल्दी से। यू कैन सर्टेनली कैंसिल आउट दिस, मुझे बताओ वैल्यू कितना होगा। जल्दी कैंसिल यूज करो, बता दो। 88 इंटू 13 ही तो बताना है। 880 प्लस कितना? 88 88 88, बताओ कितना होगा जल्दी। ऑब्वियसली आई कैन से दैट 1.144% ऑफ एक्स। तो इनिशियली इट वॉज एक्स, जस्ट ट्राई टू थिंक लाइक दिस। इनिशियली इट वॉज एक्स एंड नाउ फाइनली दिस इज 1.44% ऑफ एक्स। कैन आई से दैट देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ 14.4? नाउ कहने का मतलब, जब भी मैं ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पॉइंट समझने लायक है, जब भी मैं ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंस्टीड ऑफ दिस कैन आई यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? ये समझ में आ रहा है या नहीं? इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस एंड देन मैं परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालू, ये पहले मल्टीप्लाई करूं फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट यहां से निकालू, कैन आई यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। से यस और नो, कैन आई यूज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज? चलो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
हाँ वही लिखेंगे ना, यही होगा ना यार, इसको डिवाइड करो ना, ये 100% है, देखो ना ये 100% है, दैट मीन्स 100/100 होगा ना, और ये 1.44% है ना, तो यही लिखेंगे ना। नाउ अगर मेरे पास 100 रुपीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 120 रुपीज है, ये हालांकि आशीष सर ने भी ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार देख लो। लेट्स से ये ए है और ये बी है। इफ आई आस्क यू, बी इज हैविंग व्हाट परसेंट मोर देन ए? सेकेंड क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू ए इज हैविंग व्हाट परसेंट लेस देन बी, सो व्हाट आर गोइंग टू बी द आंसर्स? बताओ इसके लिए आंसर क्या होगा? यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वन। देखो दान लिखा है, दैट मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में भी लिखा हो, कैन आई से दैट दैट मस्ट बी इन डिनोमिनेटर? दैट मीन्स ए का जो भी वैल्यू होगा दैट मस्ट बी इन डिनोमिनेटर, एंड ये कितना ज्यादा है, यू कैन सर्टेनली राइट लाइक दिस। नहीं टेंस नहीं हो साहिल, में टेंस नहीं हो, बस रीजन ये है कि मुझे थोड़ा फास्ट कंप्लीट करना है, मैं टेंस नहीं हूं बिल्कुल भी, रीजन ये है थोड़ा फास्ट जाने का, मुझे जल्दी कवर करना है, मुझे आज ही क्वेश्चन भी ले लेना है, सो दैट्स द रीजन आई एम लिटिल बिट फास्ट, इसीलिए मैं चैट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। चलो सो आई कैन सर्टेनली से दैट 120 माइनस, दैट मीन्स जिसके भी कॉम्पेरिजन में दान के बाद जो भी हो, दैट इज गोइंग टू बी इन डिनोमिनेटर, सो आई कैन सर्टेनली राइट दिस वन एज 20%। ठीक है, हाँ अब सबका आंसर आ रहा है, रुक जा। एंड सिमिलरली इफ आई आस्क यू ए इज हैविंग व्हाट परसेंट लेस देन बी, दैट मीन्स यहां पे तुम्हें बी से कंपेयर करना होगा ना, एंड ए इज लेस देन बी बाई हाउ मच, यू कैन सर्टेनली से दैट दिस वन, सो इज इट पॉसिबल टू से दैट 20 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज 16.66%। शाबाश। चलो हाँ ये पहले ही आ गया सचिन का। मैंने शाबाश बोला, सचिन का शाबाश आ गया इधर चैट में। चलो तो इफ अ पर्टिकुलर थिंग, दैट मीन्स इन अदर वर्ड, इसको थोड़ा मैं अब इरेज करता हूं, इन अदर वर्ड काफी ध्यान से समझो, कैन आई से दैट बी इज मोर देन ए? कैन आई से दैट दिस इज 20% मोर, बी इज 20% मोर, और कैन आई से दैट 20% इज नथिंग बट 1/5? ठीक है, इफ अदर वैल्यू इज एक्स बाई वाई मोर, तो जो लेस वाला होगा, अगर मोर वाला एक्स बाई वाई है तो लेस वाला डेफिनेटली एक्स बाई एक्स प्लस वाई होगा। ये कितने लोगों को आता है? दैट मीन्स अगर ये 1/5 ज्यादा है तो डेफिनेटली ये लेस वाला 1/6 लेस होगा, एंड 1/less इज यू कैन सर्टेनली से दैट -16.67 लेस होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, माइनस इंडिकेट्स एनीवेज लेस। टुडे ओनली दिस क्रैश कोर्स स्टार्टेड, सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस, इफ वन वैल्यू इज एक्स बाई वाई मोर, मोर वाला अगर एक्स बाई वाई है देन लेस वाला विल बी डेफिनेटली एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई, यू हैव टू रिमेंबर दिस,
Is it clear? Yeah, this one is for CAT 2020. चलो, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इफ आई हैव टू आंसर दिस, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, एंड सेकेंड क्वेश्चन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? इफ आई आस्क यू ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कल का सेशन अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना, कल मैं 10:30 AM लूंगा मॉर्निंग में, प्रॉफिट एंड लॉस। सो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर अब यहां पे देखो दिस इज, यू कैन से दैट 20% मोर, जस्ट ट्राई टू रेफर दिस, एंड दिस इज 16.67% लेस। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, सिंस ए इज 16.67% लेस, सो कैन आई सर्टेनली से दैट सिंस दोनों का समेशन अगर मैं देखू तो ये समेशन 100 होना ही चाहिए। अगर ये 16.67 लेस है तो ऑब्वियसली यहां पे 83.33 होगा न्यूमेरिक वैल्यूज, एंड यहां पे अगर ये 20% ज्यादा है, कैन आई राइट दिस वन एज 120%? एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, यू कैन डायरेक्टली से दैट 100/120 मल्टीप्लाइड विथ 100, ये भी कर सकते हो, और 120/100 मल्टीप्लाइड विथ 100 ये भी कर सकते हो, इट्स टोटली फाइन। हाँ, मॉर्निंग में यूट्यूब पे ही। इज इट क्लियर? सो एज ऑफ नाउ एक बार मैं फिर से बता दूं जो अभी आए हैं, मैंने स्टार्ट ऑफ दिस सेशन मैंने किया परसेंटेज क्या होता है, एक्स परसेंट इज इक्वल टू एक्स बाई 100, देन एक्स परसेंट ऑफ वाई विल बी इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, देन मैंने बताया परसेंटेज चेंज, देन मैंने बताया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, एंड देन मैंने ये अप्रोच बताया है। ठीक है, चलो, सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन, एंड मैं देखना चाहता हूं किसका किसका आंसर आता है। थर्टी परसेंट ऑफ नंबर व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर इक्वल्स 33 लेस देन 5 टाइम्स द सेम नंबर, व्हाट इज द नंबर? देखो टाइम अगर बचा तो मैं क्विज लूंगा, अदरवाइज मैं क्विज नहीं लूंगा, टाइम मोस्टली बचता है तो मैं ले लेता हूं। देखो 30%, आई विल अज्यूम दैट नंबर एज एक्स, एंड यू मस्ट बी वेरी गुड इन मेकिंग इक्वेशंस। 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द नंबर, 30% ऑफ अ नंबर व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? से यस और नो, इक्वल्स टू 33 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, कैन आई से दैट 5x-33? से यस और नो, कैन आई राइट लाइक दिस? ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ दैट नंबर इज 2x, एंड अगर 30% मैं लिखूंगा तो 0.3 हो जाएगा, सो कैन आई राइट लाइक दिस? सो ऑब्वियसली 3.3x इज गोइंग टू बी 33, तो x का वैल्यू विल बी डेफिनेटली 10, एंड 10 इज दैट नंबर। शाबाश, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर ये फिर भी नहीं समझ में आया है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अगर मैं नंबर एक्स अज्यूम कर रहा हूं, 2x इज गोइंग टू बी द नंबर, 30% ऑफ एक्स अगर मैं माइनस कर दूं, आई लेफ्ट विथ 5x में से 33 ज्यादा, और इसके बाद मैंने ये स्टेप लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैलरी इज 20% लेस देन बी, इफ सी सैलरी इज 1000, 10000,
एंड इट इज 25% मोर देन बी सैलरी, देन वट इज ए सैलरी? एंड इफ यू आर इन गुड प्रिपरेशन, ये तुम्हें देख के लिख देना चाहिए. इफ आई विल से दैट सी सैलरी इज 10,000 एंड विच इज 25% मोर देन बी सैलरी, सो कैन आई से दैट 125% ऑफ बी सैलरी दैट मस्ट बी इक्वल टू 10,000? से यस और नो. सो इज इट पॉसिबल टू से दैट बी का वैल्यू विल बी 10,000 मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड डिवाइडेड बाई 125? आई कैन राइट दिस वन एज 8,000. एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर ये 25 ज्यादा है, देखो अगर ये 25 ज्यादा है दैट मीन्स 1/4 ज्यादा है. यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दिस वन एज अगर ये 24 दैट मीन्स अगर ये 25% ज्यादा है तो ये इससे लेस कितना होना चाहिए. यू कैन सर्टेनली से दैट 1/5, 1/5 लेस दैट मीन्स 2,000 लेस होना चाहिए. एंड यू कैन सर्टेनली से दैट दिस इज गोइंग टू बी 8,000. एंड ए सैलरी इज 20% लेस, तो यू कैन सर्टेनली से दैट 6,400 मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखो इफ 40 मिनट का क्वेश्चन है दैट मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट दीज लेवल ऑफ क्वेश्चंस. दैट्स द रीजन मैंने लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी आसान रखे हैं. कैट का क्वेश्चन है दैट डजेंट मीन कि बहुत ही फाड़ू ही आएगा. सिंस यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन 14 मिनट देन देर आर बहुत चांसेस ऐसा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ईजी होगा. दैट्स द रीजन मैंने क्वेश्चन थोड़े ईजी रखे हैं. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कंपनी ए हैज 30% मोर एम्प्लॉइज देन कंपनी बी. इफ 120 मोर एम्प्लॉइज ज्वाइन कंपनी बी, बोथ विल हैव द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. सो व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर? आई वुड से दिस वाज इजी, नॉट इवन मॉडरेट. आई वुड से इजी क्वेश्चन. So if question, if company A is having, let's say 130x, the only thing is how you are going to interpret that question is quite important. I can certainly say that A is having 30% more employees. So if 120 more employees join, is it possible to say that these two will be equal? देखो 120 यू कैन ऑल्सो अज्यूम दैट नंबर वाइज कैन आई से दैट ए इज 120 मोर देन बी? तभी तो ये 120 ज्वाइन हो रहा है तो ये इक्वल हो रहा है. तो नंबर वाइज 120 मोर है ए, ठीक है, एंड परसेंटेज वाइज 30% मोर है. इज इट पॉसिबल टू से दैट 30% ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 120? So x का वैल्यू विल बी 40. वेन एवर एक्स का वैल्यू इज 40, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी. दैट मीन्स इफ एक्स का वैल्यू इज लेट्स से 4, नॉट 40, एक्स का वैल्यू इज 4, सो सर्टेनली यू हैव टू से आंसर एज 230. एक्स कितना होगा? 230 एक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 230 इंटू 4. And your answer must be 920. I hope this is clear. Mahesh got 150 marks in a test. He scored 25% more marks than the pass marks. Kunal got 165 marks in it. By what percent did his marks exceeds the pass marks?
So, is it possible to say that 25% more than the pass marks? इसका मतलब क्या है? Just try to answer me this. How many of you are understanding this? That 125% of x is equal to 150. This is given. Say yes or no. Say yes or no. And you have to say 165 hoga. So obviously x ka value batao na kya hoga. You have to find this. Definitely, correct answer is 37.5. So basically, from this, you can certainly say that x ka value is. यू कैन सर्टेनली से दैट यहां पर से देखो मैं एक बार इरेज करके बना दे रहा हूं. चलो अगर मैं बोलू 100x इज द मार्क्स तो डेफिनेटली 25x से इंक्रीज हो रहा है. इफ दिस इज पासिंग मार्क्स देन ये है एंड दैट इज गोइंग टू बी 150. सो 125x इज गोइंग टू बी 150. सो x का वैल्यू इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 6/5. तो 100x इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 120. That means 120 is passing marks and 30 is. देखो 120 is passing marks and 30 is 25% above. अब 120 out of 165, 120 is going to be passing marks. And can I say that 45 is going to be the extra marks? So can I say that your answer must be 45 is how much percent of 120? And definitely your answer must be 37.8. Is it clear? That's correct. That's correct. Definitely I can say that pass marks will be 45 in this. Chalo. Next question. सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन डेफिनेटली आई वुड रिक्वायर योर फीडबैक कि ये पेज सही है या नहीं. मुझे यही चाहिए. हाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है. मैंने अज्यूम किया 100x इज द पास मार्क्स. ही स्कोर 25% मोर देन द पास मार्क्स. देखो फिर से समझो मैं समझा रहा हूं. आई अज्यूम्ड 100x एज पास मार्क्स. ही इज गेटिंग 25% एक्स्ट्रा ऑफ पास मार्क्स. दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट 150. Since this is 25% of your pass marks. ठीक है. So I can say that 125x is equal to 150. So can I say that x का value will be 6/5? And since this was our pass marks and this is the extra जो उसने score किया है, can I say that 100x का value will be 6/5 multiplied with 100? Which is going to be 20, 120. So now out of these two, 150 mein, can I say that 120 is pass marks and 30 is the extra, which is 25% of this? So 165 mein, can I say that 120 will be pass marks and 45% is extra? Clear hai? So basically you have to say 45%. 45 is how much percent of 120? And you can certainly say that answer will be 37.5. कौन सा क्वेश्चन रह गया था? लास्ट में ले लूंगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ न्यू कोच वॉज अपॉइंटेड इन द मिडल ऑफ द सीजन फॉर अ हॉकी टीम. ये आई विल से कि ये थोड़ा मॉडरेट है.
After it took over, the team won 80% of the 60 matches it played. But the overall success rate of the team was only 60%. ठीक है? So find the minimum number of match played, match the team must have played that season before the new coach took over. Just try to think, 80%, that means, can I say that 80% will be, अगर 80% मैच जीत रहा है, that means 60 में से 48% of match team जीत रहा है and 12 match definitely हार रहा है. Say yes or no. And that's the reason you can say that this is going to be 80%. Is it clear? Since वो सारा मैच अगर मैं हरा दूं, since 80% is the success rate after that new coach and 60% is the total success rate, that means इससे पहले अगर मैं x का x assume कर लूं कि ये हार गया होगा, so can I say that total number of matches played is x plus 60 and number of win is 48. And if I'll multiply this with 100, can I say that I can get 60%? Say yes or no. Can I write this one as 60? Is it okay? But the logic here is, itna complex karke matlab hi nahi hai. But the logic here is, अगर 60 में से 60 मैच में से ये 48 मैच हार रहा है and 12 मैच जीत रहा है, so is it possible to say that 60% of match जो ये जीत रहा है, that is going to be nothing but, since 60% is the success rate, can I say that that is going to be 48? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? I can write 60% since overall success rate is, मैं इससे पहले जो भी मैच हुआ है मैं अज्यूम कर रहा हूं वो हार रहा है. डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. So I can certainly say that यहां पे x का वैल्यू विल बिकम 80. ठीक है, आउट ऑफ दिस 80, 60 मैच न्यू कोच के साथ उसने खेला है, तो कैन आई से दैट बिफोर दैट उसने 20 मैच खेला होगा वो टीम. सो आंसर इज 20. अगर यहां पे मैं एक मैच भी जिता दू, अगर मैं यहां पे इसे एक मैच भी जिता दू, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ जो मैचेस होगा दैट विल नॉट बी 20. Is it clear? ये समझ में आया है या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. द प्राइस ऑफ अ मोबाइल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज $3,000. It increased by X percent and then decreased by Y percent. It increased by X percent and then decreased by Y percent over the next year too. At the end of the second year, the price of the mobile was 3000 only. So which of the following can be concluded? You have to answer this. लो, मौका ही मौका है. तुम लोगों को इजी क्वेश्चन मैं नहीं देना चाहता, तुम लोगों को मैं ऐसा क्वेश्चन देना चाहता हूं.
That's correct. A. Let me check. What I can assume is 20% से इंक्रीज कर दो, और लेट से मैं ऐसा अगर बोलूँ 25% से इंक्रीज कर दो, 20% से डिक्रीज कर दो, ठीक है? 20% से इंक्रीज करो एंड देन 20% से ही डिक्रीज करो, एंड देन नेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ 25% से डिक्रीज करो एंड 20% से इंक्रीज कर दो, ठीक है? एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स देर इज नो चेंज. सो आंसर बताओ मुझे, तब तो आंसर बता ही दो यार. सुराना सर ने दिया था तो डेफिनेटली बता दो. जस्ट ट्राई टू थिंक, ये मत भी करो तो, ये अगर नहीं भी करो तो यू कैन डू लाइक दिस. अगर तुमने 20% से कोई वैल्यू इंक्रीज किया है, ठीक है, तुमने अगर इंक्रीज किया है दैट मीन्स दिस विल बिकम 120. नाउ टू ब्रिंग इट बैक, नाउ टू ब्रिंग इट बैक, मुझे कैन आई से दैट 16.67% से इसे डिक्रीज करना होगा, सिंस 16.67 इज 1/6 एंड 20% इज नथिंग बट 1/5. कैन आई से दैट लाइक दिस, 1/6 से मुझे डिक्रीज करना होगा. जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस, अगर ये 100 है, मैंने 20% से इंक्रीज किया, सो टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स एक्चुअल वैल्यू, टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स एक्चुअल वैल्यू, बी कहां से आने लगा, सही तो था यार आंसर. सो टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स एक्चुअल वैल्यू, कैन आई से दैट अगर मैंने लेट से 10% से इंक्रीज किया, ठीक है, 10% से अगर मैंने इंक्रीज किया है इसे, दैट मीन्स 1/10. सो कैन आई से दैट टू ब्रिंग इट टू एक्चुअल वैल्यू, मुझे 1/10, 1/11, दैट मीन्स 9.09% से इसे डिक्रीज करना होगा. कैन आई राइट लाइक दिस? सो कैन आई से दैट इन ईच केस आंसर मस्ट बी एक्स ग्रेटर देन वाई. ये समझ में आया है? ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? सिमिलरली अगर मैं बोलूं किसी वैल्यू को, लेट से अगर 100 है, इसे मैंने 40% से इंक्रीज कर दिया, 40% इज नथिंग बट 2/5. सो टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 2/5 से इंक्रीज कर दिया 1/40, मुझे क्या करना होगा, इसे 2/7 से डिक्रीज करना होगा. से यस और नो? 2/7 ऑफ दिस 140 इज गोइंग टू बी 20, दैट मीन्स 40 मुझे डिक्रीज करना होगा. इज इट करेक्ट? एंड 2/7 इज नथिंग बट 28.56% से मुझे डिक्रीज करना होगा, तभी ये वापस 100 आएगा. सो कैन आई से दैट इन ईच केस एक्स का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन वाई, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलो, अ स्टूडेंट सिक्योर्स 38% ऑफ द टोटल मार्क्स, वहां पे ऑफ द पास मार्क्स था, यहां पे ऑफ द टोटल मार्क्स है, इन एन एग्जाम एंड गेट्स 18% मोर देन, 18 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स. सो इफ आई विल से दैट टोटल अगर 100 एक्स का है, अच्छा तुम्हें सॉल्व करना है, एक बार तुम सॉल्व कर लो फिर मैं बताता हूं.
38x. I can write this one as pass marks plus 80. काफी धीरे से मैं जो सॉल्व कर रहे सॉल्व कर लो. 27x आई कैन राइट दिस वन एज पास मार्क्स -37. दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज लेट्स से इक्वेशन नंबर सेकेंड. इफ आई विल डू फर्स्ट माइनस सेकेंड आई कैन सर्टेनली से दैट 11x विल बी इक्विवेलेंट टू. ऑब्वियसली ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंस ऑब्वियसली माइनस करना है. सो कैन आई से दैट ये कितना समेशन हो जाएगा, 11x इज गोइंग टू बी नथिंग बट 53. ओके 37 ज्यादा, वही मैं सोच रहा था बार बार कि ये तो 11 से डिविजिबल है ही नहीं. हाँ 37 एंड ऑब्वियसली वेन एवर आई एड दिस आई विल गेट 55. अब तो 55 ही हो सकता है, एक्स का वैल्यू इज 5. मैं वही सोच रहा था पॉइंट में कैसे आएगा, इसीलिए मैं रुका था. सो एक्स का वैल्यू इज 5. दैट मीन्स नाउ कैन आई से दैट पास मार्क्स प्लस 18 इज इक्वल टू 38 इंटू 5. 38 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 190. इज इट क्लियर? सो कैन आई से दैट पास मार्क्स इज नथिंग बट 172. एंड कैन आई से दैट टोटल मार्क्स इज 500, क्योंकि 100x मैंने टोटल मार्क्स अज्यूम किया हुआ है. सो 172 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड विथ 100 इज गोइंग टू बी द आंसर एंड दैट इज नथिंग बट 34.4%. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. ये समझ में आया है नहीं आया है? सो आज के लिए इतना काफ़ी है. डोंट फॉरगेट टू अटेंड माई टुमारो सेशन. मैं कल का जो सेशन है मैं बार बार बता रहा हूँ, कल का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पे होगा. सो बी रेडी फॉर दैट एंड टाइमिंग वुड बी 10:30 AM. ठीक है? सो दीज आर सम स्पेशल क्लासेस जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ. दिस इज द नेक्स्ट स्पेशल क्लास जो मैं कल लेने वाला हूँ. दिस इज नॉट 23rd, दिस इज 25th. एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं लेने वाला हूँ मैं, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन में लेने वाला हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वाउचर मिलने वाला है अमेजोन की तरफ से. हाँ नहीं, जो बड़ा टॉपिक है लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस पे मुझे दो क्लास लेना ही होगा. जो छोटा टॉपिक है लाइक परसेंटेज और थोड़ा इजी भी है तो डेफिनेटली. हाँ 172 देख लो, 172 इज द पास मार्क्स. मैंने 100x अज्यूम किया था ना टोटल, 100x में से 38x इज गोइंग टू बी द मार्क्स जो इसे आया है. तो 38x अगर मैं देखूं तो 190 होगा. सो जस्ट ट्राई टू अज्यूम अगर x का वैल्यू मैं 5 पुट करूं तो ये 500 में से 172 आ रहा है इसे. दिस इज द पास मार्क्स ना, आउट ऑफ 500 172 इज द पास मार्क्स. ठीक है? सो मैं अब दो टाइम पे लाइव आने का सोच रहा हूं, 10:30 AM टू 11:30 AM एंड इवनिंग में 10 PM टू 11 PM. दिस इज आर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एंड दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी. यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विथ एडुकेटर, यू कैन अटेंड लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, देन टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है. ठीक है?
So these are steps you have to search Unacademy Learning App, install it, then click on plus, then cat, then get subscription. And these are going to be the plans. But if you are serious and if you want some early preparation for 21 and 22, if you want to start some early preparation, then definitely you should go with these two plans. हाँ कल 2021 का मैं सेशन रात में लूंगा. सो डोंट फॉरगेट टू यूज PA10 टू अवेल 10% डिस्काउंट. सो इन दिस पैकेज यू आर गोइंग टू कवर ऑल द मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस लाइक NMAT, CMAT, ZAT, महाराष्ट्र CET, CAT तो है ही. सो दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे फॉर 12 मंथ्स एंड फॉर 24 मंथ्स. सो डोंट फॉरगेट टू यूज PA10 टू अवेल 10% डिस्काउंट. फ्रीक्वेंसी मैं नवंबर से इंक्रीज कर दूंगा, नवंबर से सैटरडे संडे इवनिंग में लूंगा. चलो. सो इफ यू रियली लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड डू हिट लाइक बटन. सो आज के लिए इतना काफी है. गुड नाइट.